नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि किसी शख्स को ऐसी बीमारी हो जाती है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। बीमार इंसान केवल बेड पर पड़ा रह सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ना तो वो ठीक से जी पाता है और ना ही उसको मौत आती है। ऐसी स्थिति में बीमार इंसान के लिए केवल दर्द और परेशानी ही बचती है। बीमार व्यक्ति इच्छा मृत्यु की मांग करता है, लेकिन बहुत से देशों के कानून इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं देते। लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड ने इच्छा मृत्यु को लेकर कानून बना दिया है और अब वहां कोई भी इच्छा मृत्यु की डिमांड कर सकता है। जी हां, कोई भी न्यूजीलैंड में अब ये मांग कर सकता है कि उसे अब जीना नहीं और उसे मौत दे दी जाए। क्या कहता है न्यूजीलैंड का ये नया कानून और इच्छा मृत्यु को लेकर किन किन देशों में कानून है और भारत इसमें कहां स्टैंड करता है, इन सब सवालों का आपको जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम सच दिखाते रहें। दोस्तों, न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु का कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल हो गया है जहाँ इच्छा मृत्यु को कानूनी दर्जा हासिल है। बता दें कि इच्छा मृत्यु का मतलब किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर की सहायता से उसके जीवन का अंत करना है। इसे डॉक्टरी भाषा में यूथनेशिया कहते हैं। यूथनेशिया मूलतः ग्रीक शब्द है जिसमें ईयू का मतलब अच्छी और थैनाटोस का अर्थ मृत्यु होता है। इसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। दुनिया भर में इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग बढ़ी है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो कई फ्रस्ट्रेटेड या परेशान लोग खुद के लिए मर्सी किलिंग की डिमांड करने लगेंगे, ऐसे में क्या होगा? तो आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु कोई भी बिना किसी वजह के नहीं ले पाएगा। इसके लिए बकायदा कानून बनाया गया है। न्यूजीलैंड का कानून क्या कहता है, अब वो भी जान लीजिए। न्यूजीलैंड में उसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जाएगी जिसे ऐसी बीमारी है जिससे अगले 6 महीने के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। इस दौरान वह काफी दर्द से गुजर रहा है तो वह इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने के लिए कम से कम 2 डॉक्टरों की सहमति जरूरी है। यही नहीं, बीमार व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि वो किसी तरीके से बता सके कि वो मौत पाने के इच्छुक है। केवल रेयर परिस्थितियों में ही व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जाएगी। बता दें कि न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु के लिए कानून लागू करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह के दौरान 65% वोट इस कानून के पक्ष में डाले गए थे। इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद से न्यूजीलैंड में कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इच्छा मृत्यु से समाज का इंसानी जीवन और मूल्यों के प्रति सम्मान कमजोर होगा। वहीं इससे कमजोर लोग, खासकर विकलांग या जीवन के अंतिम दिनों में रह रहे लोगों की देखभाल में भी कमी आएगी। बता दें कि इससे पहले स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया में ही इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में इच्छा मृत्यु और दया मृत्यु दोनों ही इल्लीगल है। ये IPC की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या का अपराध है। यानी भारत में कोई मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु की मांग नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।